तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, एक बात मुझे समझ नहीं आई। कई बार कुछ किस्से या कहानियां न जाने क्यों हमें झूठे लगते हैं। सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मगर होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब ये सच है या झूठ, ये तो मुझे नहीं पता, पर आपका और मेरा सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि कहानियां आपकी, आवाज मेरी, और इन सब के बीच एक लटकती अंधविश्वास की तलवार, जिसे हम बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते। हम तो बस आपका मनोरंजन करने हर हफ्ते कुछ कहानियां आप तक लाते हैं, जिसे आप ढेर सारा प्यार भी देते हैं। तो अगर आपको डरावनी कहानियां सुनने का शौक है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो जल्दी से मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भेजें। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो बिना देरी करते हुए कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए बने रहे मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम प्रांजल है और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। पिछले साल की ही बात है, मैं राजस्थान गया हुआ था और वहाँ मैं कुनहाड़ी में लैंडमार्क सिटी के एक हॉस्टल में रह रहा था, पर मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस हॉस्टल को लेकर कोई गलत सोचे। खैर, शुरुआत में ही मेरी बातचीत वहाँ के कुछ पुराने बच्चों से हो गई। उन्होंने मुझे बताया कि पिछले साल यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। कहते हैं कि वो अब भी इधर भटकती रहती है। मैंने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया, मुझे लगा कि वो मिलकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ रहते हुए मुझे एक ही महीना हुआ था और पूरे हॉस्टल में अब तक कहने को मेरा सिर्फ एक ही दोस्त बना था, जिसके साथ मैं कभी कभार रात को पढ़ाई कर लिया करता था। एक दिन की बात है, हम दोनों ने छुट्टी ले रखी थी कोचिंग से। हमारी क्लास 2 बजे से रात के 8:30 बजे तक होती थी। मेरा कमरा तब फर्स्ट फ्लोर पर था और मेरे दोस्त का 5वें फ्लोर पर। हम दोनों मेरे कमरे पर थे, तभी अचानक मुझे लगा जैसे कोई हमें देख रहा है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई यहाँ है। इधर उधर देखने पर कोई नहीं दिखा, पर यकीन मानो मेरे पूरे शरीर में सर से लेकर पैर तक के पूरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे दोस्त को भी कुछ अजीब सा एहसास होने लगा, तो हम दोनों 5वें फ्लोर में उसी के कमरे में चले गए और वहाँ जाकर हमने प्रभु का नाम लिया, तो हमें थोड़ा सही लगने लगा। कुछ वक्त हमने वहीं बिताया और फिर हम नीचे वेटिंग एरिया में आ गए, जहाँ पर हॉस्टल का ऑनर और वार्डन बैठे थे। हमने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद से मेरी कहानी शुरू हो गई। कई बार रात को सोते वक्त मेरे कानों पर 12 बजे से 2 के बीच पायल की आवाज़ आती। मेरा रात रात भर सोना मुश्किल हो गया था। यही नहीं, एक रात तो मेरी आँख झटके से खुली तो जो मैंने देखा, मेरी तो सांस ही रुक गई थी। मैं बस जैसे का तैसा ही पड़ा रहा। मैंने देखा कि मेरी अलमारी के ठीक ऊपर एक चुड़ैल के आकार का साया बैठा हुआ था, जो मुझे ही लगातार घूर रहा था। और मैंने जब दोबारा अपनी पलकें झपकाई तो वहाँ कोई नहीं था। डर के मारे मैंने अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा चला दी और अपना वहम समझकर चुपचाप सो गया। पर मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि जो मैंने देखा वो मेरा सच में वहम था कि कुछ और। बस मैंने अपना रूम बदल लिया। अब मैं 3rd फ्लोर पर शिफ्ट हो चुका था, साथ ही मेरा दोस्त भी 5वें फ्लोर से 2nd फ्लोर पर आ गया, क्योंकि 2nd और 3rd फ्लोर पर सिर्फ एक कमरे की जगह ही खाली थी। इसके बाद मेरा एक हफ्ता बड़े ही आराम से निकला। एक बार की बात है, मैं डिनर करके अपने कमरे में लेटा हुआ था। मुझे अच्छे से याद है, उस वक्त मैं अपने दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था। साथ ही एक बात और, जिस बेड पर मैं सोता था उसके ठीक कोने पर जहाँ मेरे पैर थे वहाँ पर खिड़की थी। फ़ोन पर बात करते करते मुझे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई खिड़की से अंदर आ गई हो। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ पर तो कोई नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बगल में लेटा हुआ है।
क्योंकि मेरे बगल में गद्दा इस तरह से दबा हुआ था जैसे कोई इस पर बैठा हो। मैं चुपचाप जैसे का तैसा रुका रहा। मैं काफी डर चुका था। मैं खुद की लेती हुई सांसों को महसूस कर पा रहा था कि तभी मेरे सीधा कानों पर किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मैं पूरी तरह कांप चुका था। मैंने हिम्मत करी और एक सेकंड में ही कमरे से बाहर भाग गया। मैं इतना डरा हुआ था कि पागलों की तरह सबके दरवाजे खटखटाने लगा। मगर ताज्जुब की बात तो ये थी कि पूरे फ्लोर पर कोई नहीं था और ऊपर से अंधेरा भी बहुत था। मैं हड़बड़ाते हुए नीचे की ओर भागा तो पाया नीचे सब लोग आईपीएल का मैच देख रहे थे। मैंने अपने दोस्त और वार्डन को अपने पास बुलाया। मैंने वार्डन से कहा कि आप राउंड पर ऊपर जाओगे तो मेरे रूम को लॉक कर देना, क्योंकि आज मैं अपने दोस्त के रूम में ही सोऊंगा। इसके बाद मैं अपने दोस्त के रूम में आ गया। मैंने उसे अपने साथ हुई सारी बात बताई तो उसने साईं बाबा की विभूति मेरे सर पर लगाई और मुझे अपने बेड पर सोने को कहा और वो खुद स्टडी टेबल पर जाकर बैठ गया। साथ ही कुर्सी पर पैर रखकर अपना फ़ोन चलाने लगा। थोड़ी देर तो मैं लेटा रहा और जैसे ही मैंने अपनी दोस्त की तरफ देखा तो वो बहुत तेज कांप रहा था और मेरी तरफ देखते देखते उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। उसने मुझे गुस्से से बाहर निकाल दिया और कमरा बंद कर लिया। तभी मुझे अंदर से एक जोर से थप्पड़ की आवाज़ के साथ कुर्सी को जोर से पटकने की आवाज़ सुनाई दी। तभी मैंने वार्डन को वहां से गुजरते हुए देखा तो दौड़कर उसके पास गया। उसके पास जाकर मैंने उसे पूरी बात बताई तो उसने नाइट अटेंडेंस के बहाने दरवाज़ा खुलवाया तो मैंने देखा कि अंदर तो सब कुछ ठीक है, एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्त ने मुझे अंदर ही सोने को कहा। मैं थोड़ा उलझन में ही फंसा हुआ था। दिमाग में हजारों सवाल एक साथ घूम रहे थे। मैं बस लेटा हुआ था और कब मेरी आंख लगी और मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर अगले दिन वार्डन अपने भाई को लेकर आया और वो मुझे वहाँ एक प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर ले गया। वहाँ उन्होंने मेरे हाथ में एक धागा बांधा और मैं वापस आ गया। उस दिन तक ये बात मैंने अपने घर पर नहीं बताई क्योंकि उन्हें टेंशन हो जाती। पर आपको मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इन सब के होने के बाद भी मुझे कई बार किसी के होने का एहसास हुआ है, लेकिन फिर सब ठीक भी हो जाता है। इसी बीच मेरी दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैं वापस दिल्ली आ गया। मुझे लगा यहाँ सब ठीक हो जाएगा पर कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। और यही मेरी आपबीती भी है जिसमें एक एक शब्द सच्चा है, सच्चा है। दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रांजल अपने घर वापस तो आ गया पर उसका कहना है कि ये उसकी कहानी का पहला भाग है और उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर आप इस कहानी को अपने चैनल पर डालेंगे तभी मैं आपको इसके आगे की कहानी बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने तो अपना काम कर दिया। बाकी आप इस पूरे वाक्य को क्या कहेंगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी बची आगे की कहानी अगर प्रांजल मुझे बताएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक हम चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों मेरा नाम मोमिन है और मैं गया का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी रेलवे की जॉब करते थे और साथ ही सरकार की तरफ से हमें एक घर भी मिला था। अक्सर शाम के वक्त मैं मैदान में जाकर क्रिकेट खेलता था जो कि मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। वहाँ पर ठीक मैदान के बगल में एक खंडर था, साथ ही एक हवेली भी थी जहाँ शायद अंग्रेज अपने ज़माने में रहा करते थे। एक दिन की बात है, मैं खेलते वक्त फील्डिंग कर रहा था तभी दोस्त ने हिट किया तो बॉल खंडर में जा गिरी। उस तरफ मैं ही खड़ा था तो मुझे ही जाना पड़ा। मैं मैदान से बाहर जाकर वहाँ अंदर गया तो बस हवाएं और पक्षियों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। एकदम सन्नाटा था वहाँ पर। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई आसपास खड़ा है। मैंने जल्दी से बॉल को उठाया और वहाँ से तुरंत भाग गया। खेल ख़त्म होने के बाद जब मैं अपने घर पहुँचा तो सोचा ये बात मैं अपने दोस्त को बताऊँ। तो मैंने उसे बताया कि मुझे वहाँ किस तरह महसूस हुआ। तो उसने कहा कि देख, वहाँ कई सालों से कोई जाता नहीं है और दूसरी बात, वो हवेली कई सालों से बंद और सुनसान खाली पड़ी है, तो ऐसे में ऐसा ही महसूस हुआ होगा, घबरा मत। मैंने भी सोचा कि छोड़ो, मुझे ऐसे ही लगा होगा। फिर मैं अगले दिन दोबारा मैदान में खेलने चला गया
तो मेरा ध्यान पता नहीं बार बार क्यों हवेली की तरफ ही जा रहा था। तभी मैंने अचानक वहां पर एक सफेद लंबे बाल वाली औरत खड़ी देखी, जिसे देख मेरे हाथ और पैर दोनों बिल्कुल ठंडे हो गए। मुझे ऐसा लगा कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, वो लगातार मुझे ही देख रही थी। इतनी दूर से देखने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि मानो वो मेरे सामने ही खड़ी हो। तभी मेरे कानों में अजान की आवाज पड़ी तो ऐसा लगा जैसे मेरी नींद टूट गई हो। तो घर आकर मैंने सोचा कि ये बात मैं अपने दोस्त को बताऊंगा। घर पहुंचकर मैंने उसे सारी बात बताई तो वो सब कुछ सुनकर हंस पड़ा और साथ ही मेरा मजाक उड़ाने लगा। कहने लगा कि मैं इतनी बार वहां गया हूं, मुझे तो नहीं दिखाई दी, क्यों पागल बना रहा है, डरपोक कहीं का। मैंने उससे कहा कि भाई इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। तो उसने कहा कि ये सब बेकार की बातें, करता ही कौन है। इतना कहकर वो चला गया और मैं रात भर सोचता रहा। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि उस बुढ़िया की वजह से आज मेरा मजाक बन गया। तभी मैंने फैसला किया कि मैं कल उस हवेली की तरफ ही देखता रहूंगा और जब वो बुढ़िया आएगी तो उससे पूछूंगा कि तू कौन है। अगले ही दिन जब मैं वहां गया तो वो मुझे वहां दिखी ही नहीं। खेल भी खत्म हो गया पर वो नहीं आई। तभी मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि क्या हुआ, घर नहीं चलेगा? तो मैंने कहा थोड़ी देर बाद आऊंगा, तू जा। तो उसने कहा आ जाना वरना घर पर मार पड़ेगी और अजान भी होने वाली है, जल्दी घर आ जाना। इसके बाद सब चले गए। थोड़ी ही देर में अजान भी शुरू हो गई पर वो नहीं आई। धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा और जैसे ही अजान खत्म हुई तो कुछ ही पलों में वो मुझे दिखाई दी, पर वो इस बार मेरी तरफ पीट करके खड़ी थी। मैं बस ये सोच रहा था कि ये एक बार पलटे तो मैं इसके पास जाऊं, पर वो पलट ही नहीं रही थी। रात भी होती जा रही थी तो मैं धीरे धीरे गुस्से में उसकी तरफ जाने लगा। जैसे जैसे मैं उसके पास जा रहा था वैसे वैसे मुझे डर भी लग रहा था, पर मैं जैसे तैसे हिम्मत कर चलता रहा। मैं जब उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके पूरे बाल सफ़ेद थे। मैंने फिर भी हिम्मत कर पूछ ही लिया कि आप कौन हो दादी, तो बदले में वो कुछ नहीं बोली। मैंने दोबारा पूछा पर सामने से कोई जवाब नहीं आया और वो अचानक आगे की ओर चलने लगी। चलते चलते उसने एक हॉल का दरवाज़ा खोला और उसके अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं भी भाग कर वहां गया और मैंने दरवाज़ा खोला तो पाया वहां कोई नहीं था। इसके बाद मैं ही जानता हूं मैं वहां से कैसे भागा। मेरे पैर हवा से बातें कर रहे थे, मैं बस बिना रुके सीधा घर जाकर ही रुका और राहत की सांस ली। घर पहुंचा तो माँ ने घबरा कर पूछा कि क्या हुआ। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया और रोने लगा। मैंने सोचा कि अगर ये बात घर पर बताऊं तो मार पड़ेगी और दोबारा मुझे मैदान में खेलने के लिए जाने भी नहीं देंगे, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बताया। मुझे लगा शायद मेरी ये बात कोई मानेगा भी या नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं छोटा भी था और ना ही मैंने ये बात अपने दोस्त को बताई, क्योंकि वो फिर से मेरा मजाक बना देता। इसके बाद मैं पूरा हफ्ता बीमार रहा। थोड़ा ठीक होने के बाद ये बात मैंने अपने बड़े भाई को बताई, जो कि हमारे रिश्ते में लगता है। उन्होंने मुझे एक ताबीज़ बनाकर दी और कहा इसे कभी मत उतारना। दोस्तों इसके बाद से मैं जब भी वहाँ खेलने गया तो ना तो मैं उस तरफ देखता था और ना ही कभी वहाँ गया। और आज मैं यूपी में रहता हूँ, 15 साल हो गए हैं यूपी में रहते हुए, मगर जब भी वो दिन याद करता हूँ तो आज भी कांप जाता हूँ। बस यही थी मेरी सच्ची कहानी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों आगे चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ, जो कि हमें भेजी है अभिषेक कुमार राव ने। वो कहते हैं कि ये बात अमावस्या की रात की है, जब मेरी शॉप का एक स्टाफ अपने ससुराल से वापस लौट रहे थे। वैसे मैं झारखंड से हूँ और ये घटना गुलदीह की है, जो कि घाटशिला के बाद पड़ता है। ससुराल गया स्टाफ वापस लौट रहा था और जिसके साथ ये हादसा हुआ उसका नाम मुकेश है। वो गुलदीह वाले रास्ते से करीबन 6 बजे अपने घर की तरफ लौट रहे थे, तभी अचानक बीच रास्ते में उनके मुंह पर किसी ने अचानक ताजा ताजा हल्का गर्म खून फेंका तो वहीं पास में एक बुढ़िया औरत खड़ी थी। उसे देख मेरे स्टाफ ने गाड़ी रोक उस बुढ़िया को बहुत खरी खोटी सुनाई, पर वो बुढ़िया एक शब्द ना बोली, बस चुपचाप घूरे जा रही थी। फिर सब आगे की ओर बढ़े।
बीच में कहीं एक जगह रुककर मुकेश ने अपना मुंह अच्छे से साफ किया और फिर वहां से निकलने के तुरंत बाद ही उन्हें एक गाड़ी ने जोर से टक्कर मार दी और साथ ही वो गाड़ी अचानक कहीं गायब हो गई। शायद तेजी में आगे निकल गई होगी। शुक्र था कि सब सुरक्षित थे, पर गाड़ी को बहुत नुकसान हो चुका था। इसके बाद सबने फैसला किया कि अब और आगे नहीं जाएंगे, बल्कि वापस अपने ससुराल जाकर कल फिर लौटेंगे। उन्होंने वापस जाकर ये बात सबको बताई और वहां से सब लोग तांत्रिक ओझा के पास गए तो उन्होंने बताया कि आज तुम सबकी जान बच गई, वरना बड़ा हादसा हो जाता। वैसे तुम्हारी परछाई हल्की नहीं है और तुमने कलावा भी बांधा हुआ है, नहीं तो वो आज तुम्हें नहीं छोड़ती, क्योंकि वो एक डायन थी। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा किस्सा कुमार रॉय का। तब तक हम चलते हैं अपनी आखिरी कहानी की ओर, जो हमें ऋषिता ने भेजी है। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम ऋषिता है और मैं पुणे से हूं। एक दिन की बात है, मैं और मेरी मोम मीरा ततार दरगाह गए थे। घर आने में हमें 10:30 बज गए। घर आकर हमने खाना खाया और मोम सोने चली गई। मेरी आदत थी कि मैं अक्सर रात को हॉरर स्टोरी सुनती हूँ, तो मुझे रात को सोते सोते 1 या 2 बज जाते हैं। उस दिन भी मैं देर से ही सोई। उस वक्त रात के ठीक 2:30 बजे होंगे और मैं हॉल में लेटकर सोने की कोशिश कर रही थी कि अचानक मुझे बेडरूम के पीछे से किसी के जोर से भागने की आवाज़ आई। मैंने वहां देखा तो कोई नहीं था। मैं चुपचाप फिर से लेट गई और नींद में ही हल्के हल्के किसी के मेरे पास आने की आवाज़ महसूस कर रही थी। और जब वो आवाज़ मेरे पास तक पहुंची, तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। मेरी आंखें बंद थी। मैंने महसूस किया कि कोई मेरे सर पर धीरे धीरे हाथ फिरा रहा है। मैं डर के मारे रोने लगी और श्री स्वामी सामर्थ महाराज को याद करने लगी। वो जो भी था चला गया था। वो पल सबसे डरावना था मेरी जिंदगी का, सबसे बुरा एक्सपीरियंस जो उस रात मेरे साथ हुआ। सुबह होते ही मैंने मोम को सारी बात बताई तो माँ ने स्वामी जी का दिया हुआ अंगारा मेरे माथे पर लगा दिया, जिससे मैं पूरे दिन ठीक रही। पर जैसे ही रात हुई तो मैं 2 बजे उठकर बैठी और चिल्लाने लगी, सबको गालियां देने लगी। मेरी मोम को पता चल गया था कि हो ना हो जरूर कोई ऊपरी चक्कर है, तो उन्होंने तुरंत ही मेरे ऊपर मीरा ततार का पानी छिड़का। तब मैं थोड़ा शांत हुई। पिताजी भी उन दिनों कहीं गए हुए थे। उनके वापस आते ही वो अपने पहचान के गुरुजी को बुलाकर लाए तो उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले तुम्हारे माता पिता जहाँ गए थे तो ये बुरी शक्ति इन्हीं के साथ इस घर में आ गई थी, और तब हम पूजा पाठ भी नहीं करते थे, तो उस औरत को हमारे साथ रहना अच्छा लगने लगा। और सबसे खतरनाक बात, उसको मुझसे लगाव हो गया था। ये बात सुनने के बाद मैं बहुत रोने लगी, पर गुरुजी ने मुझे बड़े प्यार से कहा, बेटा अब वो तुम्हारा शरीर छोड़कर चली गई है, अब तुम चिंता मत करो। दोस्तों, इस घटना को हुए 11 महीने हो चुके हैं, अभी तक सब ठीक है। बाकी अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और याद रखें, आपका प्यार ही हमारा त्यौहार है। बाय बाय।